أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله اسمع دس دن یہ مدت آ جاتی أحيا الليل तो रातों को आप जागते व अयक़ा अहलहु और अपने घर वालों को जगाते व जद्दा और खूब मेहनत करते व शद्द अल-मिदर और कमर कस लेते। इस हदीस को और दूसरी जगह मुत्तफ़क़ अलैहि रिवायत में और वजाहत के साथ रमज़ान के लफ्ज़ के साथ मौजूद है। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दखल अल-अश्र अल-अवाखिर मिन रमज़ान, बिल्कुल वाज़ेह कर दिया यहाँ लफ्ज़, इज़ा दखल अल-अश्र अल-अवाखिर मिन रमज़ान, जब रमज़ान का आखिरी अशरा दाखिल होता, बिल्कुल वाज़ेह कर दिया आखिरी अशरा दाखिल होता, अहया अल-लैल कुल्लहु, तो आप पूरी पूरी रात जागते। असल में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पूरी रात जागना ये फितरत के ख़िलाफ़ है, इस मिजाज के लोग भी मिलते हैं, कहते पूरी रात जागना, रात जब अल्लाह ने सोने के लिए बनाया है तो क्यों जागे, नहीं जागना चाहिए। तो भाई दिन भी तो अल्लाह ने खाने के लिए बनाया है, फिर क्यों दिन भर भूखे रहें, सीधी सी बात है। मुसलमानों में से कुछ लोग कहते हैं पूरी पूरी रात जागना ये फितरत के ख़िलाफ़ है, तरावी पढ़कर थोड़ी देर सो जाना चाहिए। तो यहाँ उसकी वजाहत मौजूद है, अहया अल-लैल कुल्लहु, पूरी पूरी रात जागते, कुल का लफ्ज़ मौजूद है, पूरी रात जागते, व अयक़ा अहलहु, सिर्फ आप अकेले ही नहीं जागते बल्कि अपने अहलो अयाल को भी जगाते, व जद्दा और खूब मेहनत करते, वह शद्द अल-मिदर कमर कस लेते मेहनत करने के लिए। ये हजरत आयशा की रिवायत इतनी वाज़ह है कि इसमें हमने अपनी तरफ से कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। गोया आखिरी अशरे में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब मेहनत किया करते थे। बाज़ रिवायतों में अल्फाज बदल करके और वजाहत मौजूद है। हजरत आयशा कहती हैं कालत कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यजतहिदु फी रमज़ान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में मेहनत करते थे अल्लाह की इबादत में, माला यजतहिदु फी गैरिही, जितना आप उसके अलावा अय्याम में मेहनत नहीं करते थे, रमज़ान में उतनी मेहनत करते थे जितना दूसरे अय्याम में मेहनत नहीं करते थे। और आगे कहती हैं वफिल अश्र अल-अवाखिर मिनहु माला यजतहिदु फी गैरिही, मुस्लिम शरीफ की रिवायत। और इसके आखिरी अशरे में इतनी मेहनत करते थे जितनी उसके अलावा मेहनत नहीं करते थे, पहले रमज़ान को ख़ास किया फिर रमज़ान में भी आखिरी अशरे को ख़ास कर दिया हज़रत आयशा ने, पूरी वजाहत मौजूद। जबकि साल भर का मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मामला था मेहनत का, हमने आपने बारहा सुना होगा कि आप हज़रत आयशा ही की रिवायत वो भी मौजूद है, क्यों घर का मामला है, हज़रत आयशा आपके तहज्जुद की नमाज के सिलसिले में बयान करती हैं कि आप तहज्जुद की नमाज में इस कदर मेहनत करते थे कि आपके पाँव सूज जाया करते थे। हज़रत आयशा ने आपसे उस सिलसिले में दरियाफ्त किया कि ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने जब आपके अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए हैं तो फिर आप रात में इतना लंबा क़याम क्यों करते हैं, क्यों इतनी देर देर तक खड़े रहते हैं कि आपके पाँव सूज जाते हैं। उस वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस ज़्यादा मेहनत का एक जवाब दिया, मेरा ख्याल है बड़ी मशहूर रिवायत है सबको मालूम है, क्या जवाब दिया था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ताकि मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बन जाऊँ, अफला अकूनु अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूँ। ये आपके साल भर का मामला है, साल भर ये मेहनत चल रही है कि रात में खड़े हो जा रहे हैं तो आपके पैर सूज जा रहे हैं। अब पैर कैसे सूज जाते हैं, एक दूसरी रिवायत में मौजूद है वजाहत उसकी, और एक सहाबी बयान करते हैं कि एक मरतबा में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रात की नमाज में शामिल हो गए, रात की नमाज में शामिल हो गए, मेरे याददाश्त के मुताबिक हुज़ैफ़ा इब्ने यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, रात की नमाज में शामिल हो गया
फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली रकात में सूरह बकरा शुरू की। मैंने सोचा कि शायद आधा ही सूरह बकरा पढ़ेंगे फिर आप रुकू में जाएंगे। पढ़ते गए तो मैंने अपने दिल में सोचा आधी पढ़ने के बाद रुकू में जाएंगे, फिर आप आगे बढ़ गए तो मैंने सोचा कि शायद पूरी पढ़ के रुकू में जाएंगे। लगा रहा आपके साथ में हिम्मत करके, पूरी सूरह बकरा मुकम्मल हो गई और आप इस तरह पढ़ रहे थे इत्मीनान के साथ कि जहां कहीं तस्बीह की आयत आती है तो आप तस्बीह बयान करते, जहां जहन्नम से डराने की वईद की बात आती है तो आप अल्लाह से जहन्नम से पनाह मांग लेते, जहां जन्नत और अल्लाह के इनामात की बात आती आप ठहर कर वहां अल्लाह रब्बुल आलमीन से अल्लाह की जन्नत और उसके इनामात मांगने लग जाते। नफली नमाज में, फर्ज नमाज में सब चीजें दुरुस्त नहीं है, इस तरीके से इंतहाई इत्मीनान से पढ़ रहे थे। आप बताइए सूरह बकरा तकरीबन ढाई बारे में इंतहाई इत्मीनान से पढ़े तो कितना वक्त लगेगा। फिर हजरत हुज़ैफ़ा कहते हैं कि मैं तो खड़ा रह गया कि शायद सूरह बकरा ख़त्म करके रुकू में जाएंगे, लेकिन फिर मामला ये हुआ कि आपने सूरह निसा शुरू कर दी। सूरह बकरा के बाद सूरह आले इमरान है, फिर निसा है, बीच में सूरत छोड़ दिया, सूरह निसा शुरू कर दी। तो कहा मैंने सोचा फिर थोड़ा बहुत पढ़ करके रुकू में जाएंगे, लेकिन आप पूरी सूरह निसा पढ़ गए इंतहाई इत्मीनान से। फिर मैंने सोचा निसा पढ़ने के बाद रुकू में जाएंगे, लेकिन सूरह निसा पढ़ने के बाद आली इमरान शुरू कर दी। ये तकरीबन तीनों पारे मिलकर के चार पांच पारे, तीनों सूरतें मिलकर चार पांच पारे हो जाएंगे एक रकात में। अब एक रकात में अगर इतनी देर तक पांच पारे पढ़ेंगे और एक पारा मुख्तसर तरीन तेज रफ्तार से पढ़िए तो भी कम से कम 20 मिनट लगेंगे और डेढ़ घंटे एक रकात में, और भी सिर्फ क्याम में, अभी रुकू सजदा बाकी। इतना लंबा अगर क्याम होगा तो पैर नहीं सूझेगा, ये वजह थी सूझने की। तो वो कहते हैं फिर मेरे दिल में एक ख्याल पैदा हुआ, अपने साथियों से बयान करते हुए कहा कि मेरे दिल में एक बुरा ख्याल पैदा हुआ। तो साथियों ने पूछा बुरा ख्याल क्या पैदा हुआ, आप रसूल के ताल्लुक से कौन सा बुरा ख्याल लाए अपने दिल में? तो कहा बुरा ख्याल ये हुआ कि अन अतरुका वादा, मैं नमाज छोड़कर साइड हट जाऊं, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कितनी देर तक पढ़े। अब ये क्यों पढ़ते थे अभी आपने बताया, अफला अकुन अब्दन शकूरा, क्या मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? शुक्रगुजारी किस बात की कर रहे थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अल्लाह ने आप पर इनामात किए, इस दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान बनाया, सबसे अच्छा शख्स बनाया, सिर्फ अच्छा शख्स ही नहीं बनाया बल्कि तमाम नबियों का सरदार बना दिया, रहमतुल्लिल आलमीन बना दिया, सबसे ऊंचा दर्जा दे दिया। तो जब सबसे ऊंचा दर्जा दे दिया तो सबसे ज्यादा शुक्रिया की भी जरूरत पड़ गई। आप इस बात को समझ रहे थे गया कि अल्लाह ने जब ये चीज मुझे इनायत की है, अल्लाह ने जब मुझे ये दर्जा दिया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब मुझे बहुत ऊंचा मकाम दे दिया तो मुझे बहुत ज्यादा शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। तो भाई दुनियावी मिसाल लीजिए, कोई एक सिर्फ चाय पिलाए तो भाई जजाक अल्लाह कहे काम चल गया निकल गए, लेकिन अगर कोई आपको चाय के बदले पूरे मकान ही दे दे तो सारी जिंदगी सुबह शाम हाजिरी होंगे भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, आप पर अल्लाह, आपने बहुत एहसान किया मुझ पर, रोज हाजिरी देंगे, बल्कि सुबह शाम से भी ज्यादा मौका मिले तो हाजिरी लेंगे, दिन भर उसी क्या काम करेंगे, बोले इसने तो फ्लैट लिख दिया मेरे नाम, 24 घंटे लगा उसकी खिदमत में लगा रहो। तो जब पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इंसान बना दिया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी चाहा कि मैं इतना शुक्र अदा करूं जितना पूरी दुनिया में किसी ने ना किया, सबसे बड़ा हूं तो सबसे ज्यादा शुक्र। हम उनके उम्मती, हमें भी ऐसी शुक्रगुजार होना चाहिए, साल भर होना चाहिए और रमजान के महीने में कुछ ज्यादा हो जाना चाहिए, जैसे आप रमजान के महीने में ज्यादा हो जाते थे, और आखिरी अशरे में और ज्यादा हो जाना चाहिए। जब साल भर का ये मामला था कि आप पांच पांच पारे एक रकात में पढ़ जाते थे, बकरा निसा आले इमरान एक रकात में पढ़ जाते थे, तो फिर रमजान में कितना पढ़ते रहेंगे आप अंदाजा कर सकते हैं, सिर्फ अंदाजा किया जा सकता है। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुक्रगुजार बंदा बनने के लिए इस कदर इबादत करते थे क्योंकि आप पर अल्लाह ने बहुत इनाम किया था, क्या हम पर कोई इनाम नहीं है अल्लाह का? दुनिया के एतबार छोड़ दिए, दीनी एतबार सिर्फ सोचिए तो क्या हम पर अल्लाह का इनाम नहीं है? अल्लाह ने हमें उस नबी की उम्मत में पैदा फरमाया जिस नबी को सबसे बेहतर बनाया। तो जब नबी अपने बेहतर होने की वजह से बेइंतहा मेहनत कर रहे थे तो हमें भी तो इसका एहसास होना चाहिए कि हम भी सबसे बेहतर हैं। कुंतुम खैर उम्मती, सबसे बेहतरीन उम्मत।
तो जब सबसे बेहतरीन उम्मत हम हुए तो सबसे बेहतर शुक्रगुजारी हमारी होनी चाहिए और हर पहलू पे होनी चाहिए, सिर्फ इबादत ही में नहीं बल्कि दूसरे पहलू में भी होना चाहिए। अभी आप देखेंगे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में और क्या क्या काम किया करते थे और फिर वही चीज़ें रमज़ान के आखिरी अशरे में बढ़ जाती थी। तो रमज़ान के इस आखिरी अशरे में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत रमज़ान के महीने के मुकाबले भी बढ़ जाया करती थी, जैसे कि हज़रत आयशा की रिवायत मैंने आपके सामने बयान की। और इसी तरीके से रमज़ान पूरे रमज़ान में साल भर के मुकाबले में आपके इबादत का सिलसिला बढ़ जाया करता था। और मैंने इसको आपको कोशिश की कि समझाया जा सके किस तरीके से बढ़ जाया करता था, कितनी मेहनत किया करते थे। तो इतनी इतनी लंबी नमाज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे, क़यामुल लैल किया करते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं इस मेहनत के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आखिरी अशरे को ख़ास करते थे कैसे। हज़रत आयशा ही की रिवायत है, बुखारी की रिवायत है, कहती हैं कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युजाविरु फिल अशरिल अवाखिरी मिन रमज़ान व यकूल तहर्रौ लैलतल क़द्र फिल अशरिल अवाखिरी मिन रमज़ान, मुत्तफ़क़ुन अलैह। वफ़ी रिवायत लिल्बुखारी, बुखारी की एक रिवायत में तहर्रौ लैलतल क़द्र फिल वित्र मिन अल अशरिल अवाखिरी मिन रमज़ान। हज़रत आयशा ही की रिवायत है, कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में एतिकाफ़ करते थे। युजाविरु फिल अशरिल अवाखिरी मिन रमज़ान, जावरा युजाविरु के माने होते हैं पड़ोसी बन जाना, पड़ोसी बन जाना। इसको उर्दू में तर्जमा कर दिया था एतिकाफ़ करते थे, क्योंकि एतिकाफ़ में एक बंदा पूरी दुनिया से कट करके अपने आप को मस्जिद से जोड़ लेता है। अल्लाह के घर से जुड़ गया तो अल्लाह का पड़ोसी हो गया। तो लफ्ज़ इस्तेमाल किया युजाविरु, अल्लाह के घर के पड़ोसी बन जाते थे, एक हिस्सा वहाँ मुतय्यन कर लिया अल्लाह के घर में, मैं यहीं रहूँगा ये दस दिन, अल्लाह का पड़ोसी बन गया, पूरी तरीके से अल्लाह के साथ जुड़ गया। और इसीलिए एतिकाफ में एक बंदे पर लाजिम है कि दुनिया से पूरी तरह कट जाए, कोई काम नहीं कर सकता दुनिया को, किसी की तीमारदारी में नहीं जा सकता, किसी के जनाजे में शरीक नहीं हो सकता, सिर्फ अपने ज़रूरी हाजात जैसे पेशाब पाखाना, ये ऐसी ज़रूरत है कि इसके किए बगैर चारा ही नहीं, इन ज़रूरी हाजात के लिए वो मस्जिद से बाहर निकल सकता है, बकिया रात दिन मुकम्मल मस्जिद में और क्या करना है, इबादत अल्लाह की। और इबादत के बारे में भी अल्लाह का शुक्र है कि आप ऐसी महफिल में बैठे हो, ऐसी जगह जहाँ सुनते ही रहते हैं। इबादत कहते हैं हर उस काम को जिससे हम अल्लाह का तकर्रुब हासिल कर सकें, अल्लाह की कुर्बत हासिल कर सकें। अब यहाँ तो दुनिया के वो काम है, सदको खैरात वाला सिलसिला बाहर होता है, यहाँ बैठना है तो आपको कुरान पढ़ना, कुरान से जुड़ जाएं और नवाफिल से जुड़ जाएं, तस्बीहात से जुड़ जाएं, अल्लाह की तहलील बयान करें, दुआए इस्तिगफार पढ़ें, जितना भी हो सकता है। सहाबे कराम बयान करते हैं कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक एक महफिल में इस्तिगफार 100 बार सुनते थे, रब्बिग़फिरली व तुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, रब्बिग़फिरली ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे, व तुब अलैया मेरी तौबा कबूल कर ले, इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बेशक तू तौबा कबूल करने वाला रहम करने वाला है, ये जुमला एक महफिल में 100 बार सुन लेते थे। अब आप अंदाज़ा कीजिए कुछ और बातें करते थे, खाली यही कहते थे, यानी गोया आपकी सांस की तरह आप इस्तिगफार किया करते थे, इस कदर इस्तिगफार। और हर महफिल ऐसा नहीं कि कोई महफिल खास, कहते हैं सहाबे कराम को मैंने बताया आपको बयान की, वो कहते हैं एक एक महफिल में हम इस्तिगफार के जुमले 100-100 बार सुन लेते थे। तो यही काम करना है एतिकाफ में, गोया ये आखिरी अशरा ज्यादा मेहनत करने के लिए आदमी को चाहिए कि अपने आप को दुनियादारी से फारिग कर ले। और हमारे यहाँ कहते भैया ईद करीब आई, इसी में तो धंधा चल रहा है, यही ज़्यादा मिलने वाला है, हमें फिक्र दुनिया की, उन्हें फिक्र उकबा की है, ये फ़र्क है। दुनिया जितनी मिलनी है, जितनी तकदीर में अल्लाह ने लिख रखी है, उससे ना कुछ आप ज़्यादा पा सकते ना कम होगा आपका, वो मिलना ही मिलना है, अल्लाह मेहनत से मना नहीं करता। लेकिन हमारी फिक्र इधर रहती, बोले यही तो सब चल रहा है, यहाँ तक कि बहुत सारे बिजनेस वाले तो कहते भाई रोज़ा रखेंगे तो काम नहीं होगा, रोज़ा भी छोड़ देते, तो मैं टेलर हूँ सिलाई करता हूँ, अगर रोज़ा रखूँगा सुबह शाम तक भूखा रहूँगा दिमाग नहीं चलता, और ख़राब हो गया तो कपड़ा वसूल लेगा वो। गोया रमज़ान अल्लाह ने गोया दिया था कि रोज़ा रखो,
अल्लाह की खातिर सौम रखो, उसकी इबादत करो और अपनी आखिरत बनाओ। तो हमने कहा नहीं, यही मौका है दुनिया बनाने का। कितना पलट गया मामला। अल्लाह ने इसलिए दिया ताकि हम अपनी आखिरत बना ले, और हमने ये कहा कि नहीं, इसी में तो दुनिया बन रही। हालांकि उसके लिए हम वक्त मुतय्यन कर सकते, दिन में रोजा रखना है, रात में क़याम करना है। अब दिन भर सोते रहो ना ठाट, अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि दिन भर काम ही करते रहो। रमजान के महीने पलट लो तुम भी अपना पूरा मामला, सेहरी खाओ, फजर पढ़ो, सो जाओ, रात में पूरा काम करो ना, कौन मना कर रहा है। तरकीब कुछ इस्तेमाल तो करनी पड़ेगी अपनी इबादत के लिए, तो ये तरकीब इस्तेमाल करो। आदमी बढ़ा लो काम करने के लिए, लेकिन ये कि रोजा ही छोड़ दूंगा, ये कहाँ के लिए मुनासिब, ये काम नहीं कर पाऊंगा, ये मुनासिब नहीं है। अल्लाह जो हुक्म दे उसे करना ही करना है, और उसे करने से ही दुनिया वाली भी चीज मिलती है। दुनिया के जो चीजें हमें मिल रही हैं, खाना पीना रिज्क, तलाश रिज्क है, रज़ाक का ख्याल नहीं, ये हमारी हालत है। हम सोचते हैं कि खूब ज्यादा मिले, और रज़ाक ने जो कुछ कहा है उसकी तरफ हमारी तवज्जो ही नहीं, और इसी बुनियाद पर रिज्क नहीं मिल पाती। ये जो बारिश वगैरह रुक जाती है उसकी वजूहत यही है, हमारी शरारत है। हम अल्लाह की तरफ लपकने के बजाय सोचते नहीं हम सब कुछ कर ले जाएंगे, हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान मजीद में फरमान है, वफिस समाई रिज़्क़कुम अफला ताक़िलून, वफिस समाई रिज़्क़कुम अफला ताक़िलून। रोजी वहां, क्या समझते नहीं, रोजी यहां नहीं है, वहां से बढ़ती। जिस कनेक्शन पर जितने जो है तेजी के साथ रोजी छोड़ी गई, उतना ही आने वाला है। हर एक का कनेक्शन वहां जुड़ा हुआ है रिस्क का, और जिस कनेक्शन पर जितना छोड़ा गया उतना ही आने वाला। जैसे मोबाइल कनेक्शन टावर से दूर है तो उसका जो है लूज हो जाता है मामला नेट कनेक्शन का, करीब आ गए भरपूर मिल गया हमें, खूब साफ सुथरी बात कीजिए, और बहुत दूर चले गए तो कनेक्शन ही टूट गया। तो ऐसे ही कनेक्शन जुड़ा रहना चाहिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से। उसका कनेक्शन यही है कि रोजाना 5 मरतबा उसके दरबार में हाजिरी दो। खैर, तो रमज़ान के महीने में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब मेहनत करते, और रमज़ान के महीने में भी आखिरी अशरे में खूब मेहनत करते थे, यहाँ तक कि आखिरी अशरे में अपने आप को दुनिया से काट कर अल्लाह के पड़ोसी बन जाते, एहतिकाफ कर लेते। एहतिकाफ ये 10 दिन किया करते थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 10 दिनों में एहतिकाफ, यानी 20 की तारीख आज की शाम मगरिब से पहले पहले पूरी तरह तैयार होकर मस्जिद में हाजिर, ताकि 21वीं रमजान शुरू हो तो हम मस्जिद में हाजिर। और ये पूरे हफ्ते पूरा 10 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी तरीके से दुनिया से कट कर सिर्फ अल्लाह की इबादत में लग जाते थे। हजरत आयशा कहती हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ खुद ही नहीं किया बल्कि हुक्म दिया, तहर्रौ लैलतल क़द्र फिल वित्र मिन अशर अवाखिर मिन रमज़ान, बुखारी शरीफ की रिवायत। लैलतुल क़द्र को रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। और ये लैलतुल क़द्र है क्या चीज, कितनी कीमती है जो इस आखिरी अशरे में मिल रही है हमको आपको, ये भी मालूम। बहुत मशहूर सूरत है कुरान मजीद में एक सूरतुल क़द्र, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र। फिर उसके बाद उसका जवाब है लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का फरमान, लैलतुल क़द्र क्या है और तुम्हें क्या मालूम क्या है लैलतुल क़द्र? ये उसकी अहमियत बताने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सवालिया अंदाज इख्तियार किया। जैसे किसी शख्स के बारे में कोई गुफ्तगू कर रहा हो और उसको हल्का ले रहा हो तो सामने वाले कहते हैं तुम्हें क्या मालूम वो कौन है, बहुत बड़ी चीज़ है वो। अल्लाह अपने नबी से कह रहा है वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको क्या खबर लैलतुल क़द्र क्या है? फिर खुद ही जवाब दिया लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, लैलतुल क़द्र बेहतर है कितने महीनों से भाई, कितने महीनों से, 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीने, साल में कितने महीने होते, 12 महीनों के हिसाब से आप जरा हिसाब लगाइए तो कितने साल हो जाते हैं, 83 साल 4 महीने, 12 8 96 960 साल हो गए 80 साल के, फिर और जोड़ लीजिए 83 साल 4 महीने। अभी कितनी मुद्दत होती जीने की आमतौर पर लोगों की, 60,
بلکہ 50 ہوتے ہی کہہ دیتے بھائی ابھی ان کی مدت ختم ہو چکی ہے, 50 کے ہو گئے گارنٹی ختم ہے, اور 60 کے ہو گئے تو بولتے اب تو بالکل ہی ختم, جتنے دن جی جائے بونس ہے, یہ عوامی جملہ ہے کیونکہ دنیا اس کو دیکھ رہی ہے. 50 کے ہو گئے بولے اب گارنٹی ختم, اب کب جائیں گے کوئی پتہ نہیں, اور 60 کے ہو گئے تو بولے اب بونس میں جی رہے ہیں, یہ بچوں کا اپنا جملہ ہے اور یہ سماج کو دیکھ کر کہہ رہے ہو. جب ہمارے بونس میں آ جاتا ہے 60 تو 83 کتنا پہنچ گیا اندازہ کیجیے, اور اس سے بہتر یہ ایک رات اگر جاگ جائیں تو گویا ہم اپنی پوری زندگی کی عبادت کا ثواب پا رہے صرف ایک رات میں, اور یہ ہے اس رمضان کے آخری عشرے میں. کتنی قیمتی چیز اور کتنی قیمتی رات ہے یہ, 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر رات. اس رات کو جاگیں, صرف جاگیں ہی نہیں جگائیں بھی. کس کو؟ اپنے گھر والوں کو, ہمارے بچے محلے والوں کو جگاتے ہیں. نوجوانوں کا طبقہ جو ہے یہ شب قدر کیسے جاگتا ہے, کہتا ہے جاگنا بھی ہے جگانا بھی ہے, تو یہ دونوں کام کرتے ہیں, ریسنگ شروع گاڑی کی اور نکڑ پہ بیٹھ گئے جگہ جگہ. اب جہاں بیٹھے ہیں وہاں تو پاس پڑوس میں کوئی سو نہیں سکتا, پکی بات. یہ اتنا اودھم مچائیں گے کہ وہ نہ خود سوئیں گے نہ اسے سونے دیں گے. اس طرح نہیں جاگنا ہے, اس کا دھیان رکھیں کہ اس طرح نہیں جاگنا ہے. اس طرح جاگیں گے تو یہ رات جو اللہ کی عبادت کی وجہ سے ہمیں 83 سال 4 مہینے سے زیادہ کا ثواب اور اجر ملنے والا ہے, تو ہو سکتا ہے 83 سال کا گناہ مل جائے. جتنی قیمتی جگہ ہوتی ہے, جتنا قیمتی وقت ہوتا ہے, اس کا نقصان بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے. بھئی ایک چلتی پھرتی جگہ ہم نے کوئی غلطی کی, شرارت کی, وہی شرارت مسجد میں کر لی تو خطرناک ہے یا نہیں؟ عام دنوں میں جھوٹ بولے, رمضان میں جھوٹ بولے تو فرق ہے. حدیث سن چکے ہیں بار بار, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص, اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. بارہا سنا ہوگا آپ نے کہ جو شخص رمضان میں جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو کھانا پینا چھوڑنے کی ضرورت کیا معلوم ہوا کہ رمضان کے لیے خصوصیت ہے یہ. جھوٹ ہمیشہ غلط بات, کبھی صحیح نہیں ہے, لیکن رمضان میں جھوٹ بولے تو یہ جو رمضان کا ثواب مل رہا تو بھی گیا. تو ایسے ہی جو راتیں ہیں جنہیں ہمیں جاگنا ہے اور جنہیں جاگ کر اللہ کی عبادت کے ذریعے سے اپنی بندگی کا اللہ رب العالمین کے یہاں نام لکھوانا ہے, اس کے رجسٹر میں کی طرح بندہ ہوں لکھ لے, ناک رگڑ رہا ہوں تاکہ میرے نام لکھ لے اپنی بندگی میں, اس کے یہاں اپنے بندگی کا اظہار کر دینا ہے, اتنی محنت کرے کہ اس کے فرشتے لکھ لیں کہ ہاں یہ بندہ ہے, کتنا ناک رگڑے اللہ کے سامنے, اپنی بندگی کا اظہار کر دے سر جھکا کر کہ میں پوری طرح تیرے لیے جو ہے اپنے گھر سے نکل پڑا ہوں, میں نے اپنے آپ کو پوری طرح تیرے حوالے کر دیا. مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے قرآن میں کہا کہ تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا, وہ اپنے بستروں سے اپنی پیٹھ کو الگ رکھتے ہیں اور اپنے رب کو خوف اور لالچ سے یاد کرتے ہیں, پکارتے ہیں, ڈر کے مارے بھی پکارتے ہیں اور ڈر کے مارے پکارتے ہیں تو گناہ توبہ کرتے ہیں, اور لالچ سے پکارتے ہیں گویا اللہ کی جنت مانگتے ہیں. ایک طرف گھبرا بھی رہے ہیں کہ اللہ جبار ہے قہار ہے, اور ایک طرف امید بھی بن رہی کہ رحمان و رحیم بھی رؤوف بھی, دونوں تصور ان کے دنوں میں ہیں. رحمان و رحیم کے نام پر صرف گناہ نہیں کرتے, رحیم تو ہے ہی, ورنہ بدماش شاعر کی طرح کہتا ہے, شعر کہتا ہے, فرشتے قبر میں پوچھیں گے نیک بندوں سے گناہ کیوں نہ کیے, کیا خدا رحیم نہ تھا؟ یہ بدماشی والی بات, شرارت ہے یہ. تو ایسا نہیں ہوتا مومن, بلکہ ڈرتا بھی ہے. جہاں وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ رحمان و رحیم ہے رؤوف ہے, وہاں وہ یہ بھی جانتا ہے کہ جباروں کا حال بھی ہے. جہاں وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ کی رحمت سب سے بڑی رحمت ہے, وہاں وہ اس پر بھی ایمان رکھتا ہے کہ اللہ کا عذاب بھی سب سے خطرناک عذاب ہے. جہاں وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ معاف کرتا ہے, غفور ہے, تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے,
वहाँ वो ये भी जानता है कि अल्लाह की पकड़ भी बड़ी सख्त है, और इन दोनों के साथ वो अल्लाह को याद करता है। यदऊना रब्बहुम खौफन व तमअ, वो अपने रब को घबरा कर भी याद करता है और उम्मीद से भी याद करता है। ये एक मोमिन बंदे का मामला होता है। और इस आखिरी अशरे में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ में जब बैठते तो और क्या क्या करते थे ये भी हम जानते चलें। मेरा अंदाज़ा है कि वो हदीस आपने सुनी होगी, बड़ी मशहूर रिवायत है, बार बार बयान की जाती है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान अजवदुन नास, इस पूरी कायनात में सबसे ज़्यादा सखी इंसान थे, सबसे ज़्यादा। कान अजवदुन नास, अजवद माना होते हैं सबसे ज़्यादा सखी। अजवद जैसे अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, क्या तर्जुमा होता है अल्लाह अकबर का, क्या तर्जुमा है अल्लाह बहुत बड़ा है क्या सबसे बड़ा है? बहुत बड़ा तर्जुमा गलत है, अल्लाह सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं, सबसे हो गया बड़ा ना। ऐसे अजवद का लफ्ज सबसे ज़्यादा सखी, कायनात में सबसे ज़्यादा सखी थे। वकान अजवद हीना इल्काहु जिब्राइल, और वो उस वक्त और ज़्यादा सखी हो जाते जब जिब्राइल से मुलाकात होती। वकाना जिब्राइल यल्काहु कुल्ल लैलतिन फी रमज़ान, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रमज़ान की हर रात में मुलाकात करते थे। और आखिरी जुमला है कि जब जिब्राइल मिलते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान अजवद मिन अर्रीहिल मुरसला, तेज हवा से भी ज़्यादा सखी हो जाते थे, तेज हवा से ज़्यादा सखी। ये हमारे और आपके लिए एक मिसाल दी गई, तेज़ हवा की तरह सखी, तेज़ हवा से ज़्यादा सखी। हवा चलती है तो क्या हालत होती है, कभी हवा इतनी धीमी चलती है कि उसके लिए चौराहे पे निकलना पड़ता है, ज़रा बाहर चलो भाई हवा लग जाए कुछ बदन में, और कभी अपने दरवाजे के बाहर ही बैठना पड़ता है वहाँ तक हवा आती है, और कभी हवा इतनी तेज़ होती है कि घर में बैठे हो तो वहाँ भी एहसास होता है कि हवा आ रही है। ये मिसाल दी गई है कि तेज़ हवा से ज़्यादा सखी। मफहूम ये हुआ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत रमज़ान में इतनी बढ़ जाती थी कि वो शख्स जो अपने घर में बैठा रहता था उसको भी आपकी सखावत पहुंच जाती थी। हमारी पहुंचती है क्या? हमारे यहाँ तो जब वो हमारे दरवाजे पे कोई पहुंच जाता है मांगने वाला तो उसे देते हैं, और बल्कि इस रमज़ान के सिलसिले में आप अगर अखबारात पढ़ते होंगे तो उसमें अच्छे खासे लोग मजाक उड़ाने वाले मिलते हैं कि ये मौलवियों का महीना, चंदा मांगने बरसात के मेंढकों की तरह निकल पड़े, और हम सिर्फ उन्हीं तक अपनी जो है ज़कात और सदक़ात पहुँचाते हैं, तो हम रिहिल मुरसला कब बनेंगे, हम कब तेज़ हवा बनेंगे? हम उसी नबी की उम्मती हैं ना। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, उसके रास्ते पे हमें चलना, तो इस रमज़ान में हमें रिहिल मुरसला बनना, हमें तेज़ हवा बनना है सदक़ात के सिलसिले में, कि वो शख्स जो मांगने आए वो तो पाए ही पाए, जो नहीं मांगने आता जिसके अंदर गैरत है, मिस्कीन तो है, उसके पास ईदी सिलाने के लिए, ईदी अपने बच्चों को देने के लिए, नए कपड़े सिलाने के लिए पैसे नहीं है, मजबूर है, खाना पीना किसी हिसाब से उसका चल रहा है, लेकिन गैरतमंद है, सोचता है कैसे हाथ फैलाऊं, वो नहीं निकलता बाहर। तो रिहे मुरसला बनेंगे तो हमारे ज़कात वहाँ भी पहुँचेंगे, हमारे सदक़ात वहाँ भी पहुँचेंगे, हम तलाश करेंगे ऐसे बंदे को और उस तक पहुँचाएंगे। पहुँचाना चाहिए, जानना चाहिए कौन ज़रूरतमंद है, तलाश करना चाहिए। हम सोचते हैं तो खुद ही आएगा मेरे को, ये तरीका गलत है। ये रिहिल मुरसला का ही मफहूम है जो मैं समझता हूँ, हो सकता है और भी चीज़ें उलमा बताएं, मैं यही समझता हूँ अभी तक कि रिहिल मुरसला तेज़ हवा से ज़्यादा अगर आप सखी हुए तो इसका मफहूम यही हुआ कि वो लोग जो मांगने आते हो तो पाते ही पाते हैं, जो नहीं अपने घरों से निकलते आपकी सखावत का असर वहाँ तक पहुँच रहा होता है। हम उसी नबी के उम्मती हैं, हमें भी चाहिए कि हमारी सखावत का असर उन घरों तक पहुँचे जो मजबूर हैं लेकिन अपनी गैरतमंदी के सबब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, उन तक पहुँचे, चाहे वो किसी सबब से मजबूर हो, सकता है बंगले में रहने वाला और मजबूर हो, मुमकिन है ऐसा, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि है बंगले में लेकिन मजबूर हो गए। जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह कहफ में बयान किया मिस्कीनों का वाकया, कि वो जो मिस्कीन थे दो और उनकी कश्ती थी समुद्र में चलाया करते थे, अब कश्ती कितने में बनेगी, कई लाख लग जाएंगे, लाखों करोड़ों का जो है वो बिजनेस डाले हुए, लेकिन मिस्कीन अल्लाह ने कहा उसे
तो बहुत मुमकिन है कि उसके पास करोड़ों की इजाजत हो, फैक्ट्री का मालिक है, लेकिन आज उसकी हालत खराब है। तो ऐसे लोगों को तलाश किया जाए, जरूरी नहीं है कि ऐसे लोग ना मिलें। फकीर भी हैं, मिस्कीन भी हैं, मोहताज भी हैं, इन सब का लिहाज करना है और उन तक हमें पहुंचाना है, जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रमजान के महीने में रिहे मुरसला बन जाया करते थे। और इस महीने में या इसके अलावा महीनों में जो नेकियां, वो सारी नेकियां इस अशरे में हमें अंजाम देनी है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, तिर्मिज़ी की सही रिवायत, कहते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्युहन्नास, ऐ लोगो, ऐ लोगो, अफ्शुस्सलाम, सलाम को रिवाज दो, एक दूसरे को सलाम करो, वअतिउत्तआम, खाना खिलाओ, वसल्लु बिल्लैल, रातों को सलात अदा करो, जिसे हम उर्दू में नमाज कहते हैं, रातों को नमाज अदा करो, वरना सुनियाम, इस हालत में कि लोग सो रहे हो, लोग सो रहे हो उस वक्त तुम नमाज अदा करो, ये काम करोगे तो क्या होगा, तदखुलुल जन्नत बिसलाम, इंतहाई सलामती के साथ जन्नत में चले जाओगे, इंतहाई सलामती के साथ। रमज़ान में किए हुए इन कामों का अज्र दूसरे दिनों में किए हुए कामों के अज्र से बढ़ जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने रोज़े के सिलसिले में क्या कहा, फ़इन्नहु ली व अना अज्ज़ी बिही, ये सौम मेरे लिए है, मैं इसका बदला देने वाला हूँ। क्यों, आगे उसकी वजह भी बयान की गई है हदीस में, यतरुकु तआमहु, अपना खाना और सोना मेरी वजह से छोड़ देता, दिन में खाना और रात में सोना मेरी वजह से छोड़ देता। अब दिन में खाना छोड़ा तो उसको वक्त ज्यादा मुयस्सर आया, वक्त ज्यादा मुयस्सर आया तो ज्यादा ये बातें की, रात में सोना छोड़ा तो फिर वहां भी वक्त ज्यादा मुयस्सर आया। अब सोना छोड़ा तो क्या करना, अल्लाह की बात में लग जाना, अल्लाह की बात में ऐसे ही लगे जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लग जाया करते थे। और आप खूब मेहनत करते थे, कितनी मेहनत करते थे कि अभी आपको मैं उसका पूरा हिस्सा बता चुका। अच्छा, मैंने थोड़ी देर पहले जो रिवायत बयान की थी कि हजरत एक सहाबी ने आपके साथ क़याम किया, घबराहट में छोड़ना चाहा, मैंने गलती से शायद हुज़ैफ़ा इब्न यमान का नाम बयान किया था, वो अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुल्लाह इब्न मसूद मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है, कहते हैं सल्लैतु मअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतन फलम यज़ल क़ाइमन हत्ता हममतु बि अमरिन सुई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर खड़े रहे, यहाँ तक कि मैंने इरादा किया, एक बुरा इरादा, बे अमरिन सौ, बुरा इरादा कर लिया, किला मा हममता, काला हममतु अन अजलिसा वादा, मैंने इरादा किया कि मैं बैठ जाऊँ छोड़ दूँ साथ, लेकिन सहाबे करा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं छोड़ते थे, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए छोड़ते नहीं थे। अच्छा, इतनी देर देर तक खड़े रहते थे, आपके दिल की कैफियत क्या होती थी, जब कुरान पढ़ते थे और उन आयतों से गुजरते थे जिन आयतों में अल्लाह के अजाब से डराया गया है, तो हदीस में अल्फाज है कि आपके सीने से ऐसे ही आवाज़ निकलती थी, अजीज़ुन का अजीज़िल मिर्जल, जैसे पकते हुए पतीली में से, हंडिया में से आवाज़ पैदा होती है, यानी मुंह से आवाज़ नहीं पैदा होती, यहाँ से आवाज़ पैदा होती थी, दिल से घबराहट की, रोने की, यही आवाज़ पैदा होती थी और वहीं दब जाती थी, बाहर नहीं निकलने देते थे, दुनिया ना सुने, मेरा रब सुने, वहाँ आवाज़ पैदा होती थी, आप इस तरीके से रोया करते थे। यहाँ तक कि हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, रिवायत बयान करते हैं कि ये रातें कितनी मुबारक हैं, कहते हैं समय तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल इन फिल लैल लिसाअतन ला युआफिकुहा रजुलुन मुस्लिमुन यसलुल्लाह तआला खैरन मिन अम्रि दुनिया वल आखिरा इल्ला आताहुल्लाहु इय्याहु वदालिका कुल्ल लैलतिन। हजरत जाबिर कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि रात में एक ऐसा वक्त है, एक ऐसी घड़ी है कि कोई भी मुसलमान बंदा उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से उस वक्त में मांगने में मुआफ़त कर लेता है अल्लाह रब्बुल आलमीन से, यानी उस वक्त मांगता है अल्लाह से, तो चाहे वो दुनिया की बात मांगे चाहे आखिरत की बात मांगे, दुनिया मांगे या आखिर, या सल्लल्लाहु तआला खैरम मिन अमरि दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखिरत जैसी जहाँ से भी कोई भी चीज़ अल्लाह से मांगता है, इल्ला अता हुई या, मगर अल्लाह उसे वो चीज़ दे देता है, उसे वो चीज़ दे देता है, ज़ालिका कुल्ल लैला, और ये चीज़ हर रात है, सिर्फ रमज़ान में नहीं,
तो जब रमजान के अलावा रातों में है और वहां मांगना चाहिए तो रमजान में और बड़े पैमाने मांगना चाहिए, जैसे कि शुरू में हदीस बयान की मैंने कि इस अशरे अखीरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के मुकाबले में भी ज्यादा मेहनत शुरू कर देते थे। तो जब हर रात में है तो हर रात में हमें मांगना चाहिए और रमजान में खसूसियत के साथ और ज्यादा कर देना चाहिए और अखीर अशरे में और ज्यादा कर देना चाहिए, जैसा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था। इसलिए हमें और ज्यादा मांगना चाहिए। और इस रमजान की रातों में एक चीज और होती, फरिश्ते नाजिल होते हैं, खुसूसन शबे कद्र में नाजिल होते हैं और दूसरी रातों में भी नाजिल होते हैं और कहते क्या है, या बागी अल खैरी अकबिल व या बागी अल शर्री अक्सिर। बहुत मशहूर बात है, बारहा सुन चुके होंगे इस रमजान में, अय भलाई के तलबगार, भलाई करने वाला क्या करे रमजान में, और ज्यादा करे। अब हम चाहें तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, रोजाना हमारे इफ्तार की जगह पर जितनी चीजें होती हैं उसको अगर हम कुछ कम करना चाहें तो नहीं मुमकिन है, बहुत मुमकिन, लेकिन नहीं, लोग कहते हैं जब तक पांच आइटम नहीं हो तब तक तबीयत ही नहीं मानती, दिखना चाहिए कि हाँ ये भी है, भले खाना पाऊँ मगर एक तीखा, दो तीन किस्म के तीखे, दो तीन किस्म के मीठे और फिर फल चार पाँच किस्म के, ये होना चाहिए मेरे दस्तरखान पे, नहीं रहे तो दस्तरखान पे बैठने की तबीयत ही नहीं होती, अजीब मामला। अरे उसको कम करके क्या उस शख्स तक नहीं पहुंचाया जा सकता जो सिर्फ पानी से इफ्तार कर रहा है? क्या आप भी हम इस चीज को सोच नहीं सकते? दिन भर अगर हम हलाल चीज से रुक सकते हैं तो क्या शाम को हलाल पर टूट पड़े, इतना टूट पड़े कि बिल्कुल इतना खा जाए कि समझ में ना आए कितना खा लिया। अभी इनकलाब में आपने खबर पढ़ी होगी कि जय जय अस्पताल में चंद इंतहाई गरीब लोग इफ्तार का इंतजाम करते हैं, कई साल से इफ्तार का इंतजाम कर रहे हैं। उसकी इब्तिदा कैसे हुई थी, उसमें लिखा हुआ था कि इब्तिदा ऐसे हुई कि एक लेमू बेचने वाला, लेमू पानी भी बेचते हैं, 5 रुपया 10 रुपया गिलास, 2 रुपया गिलास, कितना कमाते होंगे अंदाजा कर सकते। वो बेचने वाला क्या एक दिन में अपने किसी रिश्तेदार की इबादत के लिए जय अस्पताल में गया, अपने साथ कुछ इफ्तार लेके गया था, रमजान का महीना था, देखा तो बहुत सारे लोग सिर्फ पानी से इफ्तार कर रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि मेरा दिल भर आया, अल्लाह की तरफ देखे पलटा बंदा कैसे, मेरा दिल भर आया लेकिन मैं इस ताकत में नहीं था, लेमू पानी बेचने का कितना कर सकता हूँ। मैं वहां से आया तो अपने दोस्तों से कहा, उसके दोस्त अहबाब भी उसी कैटेगरी के तो होंगे, उनसे मिला और उनसे कहा भाई ये पोजीशन है, तो सब ने कहा नहीं यार तो काम करना चाहिए। गरीबों ने मिल करके, वो गरीब जिनके लिए अपने खाने का इंतजाम मुश्किल, अपने खाने का, अपने बाल बच्चों के पालने का इस बंबई में मुश्किल है, उन्होंने कहा नहीं इंतजाम होना चाहिए। और फिर उन्होंने अभी इस वक्त उनकी पोजीशन है कि जो अखबार की रिपोर्ट बता रहा हूँ, 150 अफराद के इफ्तार का बेहतरीन इंतजाम करते हैं और उस 150 अफराद के इंतजाम को 200 तक फैला देते हैं, उसी 150 का इंतजाम करते हैं लेकिन पैकेट बना के रखते हैं, आओ भाई हमारे यहाँ से इफ्तार ले जाओ, जय जय में जो लोग भी हैं ले जाए उनकी देखी देखा। फिर किसी ने शहरी का भी इंतजाम शुरू किया, आगे बढ़े तो हम, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। इब्तिदा एक ही शख्स करता है, शुरुआत किया जाए, शुरुआत करेंगे काम होगा। अच्छा ये आखिरी अशरा, इसमें एक शबे कद्र भी है, शबे कद्र एक ही रात लेकिन बटी हुई है कितनी रातों में, पांच रातों में बटी हुई है। अब इन पांच रातों में से एक ही रात शबे कद्र है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन अपने हुजरे से निकले और ये सोच कर निकले कि मैं इनको बता दूं कि इन पांचों में से कौन सी रात शबे कद्र, बुखारी की रिवायत। तो आप जब निकले तो देखा कि दो लोग लड़ रहे, किसी बात पर दो लोग लड़ रहे थे, इतने में आपके जहन से वो चीज उठा ली गई, शबे कद्र की तायीन उठा ली गई। और असिस्तु सहीहा में अल्लाह अलबानी ने एक दूसरी रिवायत भी नकल की है कि मैं ख्वाब में था, सोया हुआ, और मैंने ख्वाब में शबे कद्र की तायीन देखी कौन सी रात शबे कद्र है, लेकिन हुआ ये कि मेरी किसी बीवी ने मुझे जगा दिया बीच में, भूल गया, अल्लाह ने वो चीज़ उठा ली। लेकिन इसमें भी अल्लाह ने खैर रखा उसी हदीस में कि अल्लाह ने इसमें खैर रखा, ये भुलवा दिया इसमें भी खैर। हम पांच रातें जागे, एक रात शबे कद्र मिली और 4 एक्स्ट्रा मिल गए हमको, डिस्काउंट में मिल रहे हैं 4, है ना, एक पर 4 फ्री। ऐसा अगर कोई बोर्ड लगा दे दुकान वाला तो क्या हालत होगी, इस रमजान में अगर कोई बोर्ड लगा दे एक पर 4 फ्री क्या हालत होगी भाई, बताओ जल्दी से, हाँ मेरे कदर पूरा कुरला वही टूट पड़ेगा, एक पर 4 फ्री, बोले अपने लिए ही नहीं पूरे घराने के लिए खरीद लो यहीं से, यहाँ भी एक पर 4 फ्री है,
क्या इरादा है? शबे कदर एक ही है, चार रातें उसके साथ फ्री मिल रही, इबादतें ज्यादा हो रही हैं हमारी, यानी इसमें भी खैर है हमारे लिए। एक रात जागो, चार एक्स्ट्रा ले जाओ, चार रातें ज्यादा मिल रही। हम सोचे कहाँ मुसीबत एक ही बता दी होते, सीधे सीधे हम 83 साल का सवाब ले लेते, ये चार बिला वजह जगा रहे हैं हमको। ये बिला वजह नहीं है, इसमें भी खैर, चार ज्यादा इबादतें मिली। इसको उस वक्त समझ पाएंगे जब उसको हम अपने मिजाज के मुताबिक, हम लोग चूंकि दुनियादार दुनिया के हिसाब से सोचते हैं, कोई भाई अभी मैंने मिसाल दे दी उसके उसी लिहाज से सोचें तो हमको समझ में आएगी बात, क्योंकि दीन वाला मिजाज तो यहाँ आ ही नहीं हमारे पास, बड़ा मुश्किल यही है। तो एक पर चार फ्री है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत आयशा ने पूछा एक बार कि अल्लाह के रसूल, इस आखिरी अशरे में जब मैं शबे कद्र जागूँ और मुझे मालूम हो जाए कि ये रात शबे कद्र है, ये लैलतुल कद्र है जो 83 साल 4 महीनों की इबादत से बेहतर है, तो कौन सी दुआ करूँ? कहते हैं कि कुल तो या रसूल अल्लाह अराइता इन अलिमतु अय लैलतिन लैलतुल कद्र मा अकूलु फीहा, मैं उसमें कौन सी दुआ मांगूँ? कौन बताएगा भाई? बहुत मशहूर दुआ है, शाबाश बेटा, अल्लाहुम्मा इन्नका अफून, आज से है, अभी शाम से शुरू है, याद कर लीजिए, अल्लाहुम्मा इन्नका अफून, हाँ तुहिब्बुल अफ्वा फ़ाफ़ु अन्नी, ऐ अल्लाह तू माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है, इसलिए मुझे माफ कर दे। कितनी प्यारी दुआ, ऐ अल्लाह तू माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है, मुझे माफ कर दे, इसलिए इस दुआ को याद रखें और इसे इस्तेमाल करें, आज की रात से शुरू हो जाए, खूब रात भर इसी का विर्द करते रहें, समझिए हजार बार तो क्या परेशान, इसी का विर्द करें। और फिर इसमें ये रियातें जो हमें मिलने वाली हैं इस आखिरी अशरे में, इसमें खूब ज़्यादा मेहनत करें। हज़रत आयशा कहती हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आखिरी अशरे में कान या तकफुल अशरुल अवाखिर मिन रमदान हत्ता तवफ़ाहुल्लाह सुम्मा इतकफ़ा अज़वाजुहु मिन बादी, आपने इतिकाफ़ किया इस आखिरी अशरे में और जब आपका इंतकाल हो गया तो आपकी बीवियों ने इतिकाफ़ किया, गोया आप सिर्फ काम करके निकल नहीं गए बल्कि आपके आलो औलाद भी ये काम किया है। हमें भी खुद करना चाहिए, अपने आलो औलाद को ये चीज़ सिखानी चाहिए और इसलिए सिखानी चाहिए। और आखिरी साल जो आपका आखिरी साल था, हदीस में है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रमज़ान में 10 दिन एतिकाफ़ करते थे, आखिरी साल आपने 20 दिन एतिकाफ़ किया। गोया आखिरी जो लोग जिनकी उम्रें आखिरी सरहद तक पहुँच चुकी हैं, जो मैंने शुरू में बयान किया था, उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए जवानों के मुकाबले में। जैसे रमज़ान का आखिरी अशरा ज़्यादा मेहनत, तो ज़िंदगी का आखिरी अशरा तो भी ज़्यादा मेहनत, अल्लाह की तरफ ज़्यादा जुड़ जाए बंदा। ये हदीस में भी है कि अल्लाह ताला जो है उस बंदे को माजूर समझता है जिसको 60 साल की ज़िंदगी दे दी, अब भी अगर उसने नहीं किया तो गया वो इस लायक नहीं है कि उसको माफ़ किया जाए। तो जब जितना आखिरी होता जाए उतना अल्लाह के करीब होते जाएं। अब आखिरी बात जिस सिलसिले में कहना चाहूँगा, वो हज़रत अनस की एक रिवायत है, बहुत मशहूर, वो भी सुन चुके होंगे, मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है। हज़रत अनस कहते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यतबउल मय्यित थलासतु, मय्यित के पीछे 3 चीज़ें जाती, मय्यित के पीछे 3 चीज़ें जाती, अहलुहु व मालुहु व अमलुहु। कौन कौन सी भैया नौजवान में बैठे हमारे सामने, कौन सी 3 चीज़ें जाती हैं? मैंने पढ़ के बताया अरबी में, सुन चुके हैं, अहलुहु व मालुहु व अमलुहु, उसके घर वाले, माल और अमल हो तो उर्दू है, अहल माल अमल, ये 3 चीज़ें जाती हैं साथ में। फयर जो इसना 2 चीज़ें लौट आती हैं, कौन कौन सी 2 चीज़ें? अहल और माल, घर वाले और माल ये लौट आता है। अभी माल का मामला कि मस्जिदों में पहले देहातों में चारपाइयाँ लेके जाते थे, जिसके घर कोई शख्स का इंतकाल हो उसी की चारपाई निकालते थे उसी पर लेके जाते थे, उसका माल भी साथ में दिखाई पड़ता था, अभी नहीं दिखाई पड़ता। तो माल और अहल ये दोनों लौट आते हैं, तीसरी चीज़ साथ में रहती है, वो क्या है? अमल। और ये 10 दिन का मौका मिला है, बेहतरीन मौका मिला है, तो इस बेहतरीन मौके से फ़ायदा उठाने के लिए हमें अभी से कमर कस लेना चाहिए, जैसे कि मैंने पहली रिवायत बयान की थी, जद्द व शद्द अल मिदल, खूब मेहनत करते थे और कमर कस ले, कमर कसना ये उर्दू का एक मसल है। और इसमें दूसरा माना भी मुहद्दिसीन ने बयान किया, कमर कसने का माना ये कि अपनी बीवी के पास नहीं जाते थे, ये 10 दिन बीवी के पास नहीं जाऊंगा ताकि वो जो हिस्सा वहाँ लगता है उसको दूसरी बात में गुजार दूँ। और दूसरा माना उर्दू वाला है, कमर कस लेना, और कमर कसना उर्दू के एक मसल है, इसके माना तो खूब मेहनत के लिए तैयार हो जाना, मजदूर जैसे जब खड़ा होता है मजदूरी के लिए तो बांधता है पहले टाइट एकदम,
कस के बांध लेता है, फिर उसके बाद लग जाता है काम में। तो यही अमल जो है हमारे साथ जाने वाला है, यही काम आने वाला है। अहलो माल काम आने वाले नहीं, उनके चक्कर में पड़कर हम अपनी आकबत खराब ना करें। ये जो 10 दिन हमें मिले हैं इंतहाई अहम, इंतहाई कीमती, इनसे फ़ायदा उठाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे, आपको, तमाम मुसलमानों को इन 10 दिनों से पूरी तरह फ़ायदा उठाने की तौफीक दे। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।